हेलो गाइस, हाय, मायसेल्फ डी जिंकीनाथ और आप देख रहे हैं द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथास्तु। सो गाइज, मैं आज एक इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आया हूँ और साथ ही साथ मैं आपको माफ़ी मांगता हूँ, बहुत तहे दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहूँगा कि मैं वीडियो आपके लिए लाते रहूँ। और बहुत दिन से राइड भी नहीं गए हैं तो इसीलिए न्यू वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आपको ये वीडियो कर रहा हूँ। सो गाइज, मैं आज गुड न्यूज़ जो मैं सुनाना चाहता हूँ मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगा, अभी सुनाऊंगा। गुड न्यूज़ यही है, पुबितोरा जो है वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि आपका 38 point something किलोमीटर्स में फैला हुआ है, बहुत बड़ा है। ये मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो कि गुवाहाटी से बहुत पास में है, असम है इसका स्टेट। तो आज इसका इनॉग्रेशन होने वाले हैं, आज 6 तारीख है, 6 November 2019। तो आज माननीय अतुल बोरा जो असम का फॉरेस्ट मिनिस्टर है वो आके आज इनॉग्रेट करेंगे, आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं और साथ में आप लोग जिप्सी सफारी या फिर एलिफेंट सफारी भी कर सकते हैं। बहुत सारा एंटरटेनमेंट करने की जरिया है और बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज़ भी आपको मिलेगा, पार्किंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, नहीं, अक्टूबर में आपका काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो ओपन किया था, मैं वीडियो पहले भी दिया था, आज भी इसी पोबितोरा को लेके मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर आइए, वही इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं एक्चुअली ये वीडियो बनाया था। तो ये एक बहुत ही बढ़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। वहाँ पे आपको वन हॉर्न राइनो जो असम का सबसे फेमस चीज़ है वो आपको देखने को मिलेगा, जंगली एलिफेंट, जंगली टाइगर, शेर, कुछ भी, हिरन, एवरी काइंड ऑफ जंगली एनिमल्स यू कैन सी देयर। मतलब असम में जो जो पाए जाते हैं वही सब आपको देखने को मिलेगा। वैसे आप लोग ऐसे उम्मीद में मत करिए कि अफ्रीका में जो आपका वाइल्ड लाइफ है वो यहाँ पे सेम टू सेम देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। यहाँ का जो लोकल है, इंडियन जो एनिमल्स है वो आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा। और सबसे बेस्ट टाइमिंग विजिट करने की, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आप लोग आराम से आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा टाइमिंग वही है आने के लिए। ऐसे तो आप गर्मी का सीज़न में भी आ सकते हैं, अदर मंथ में भी आ सकते हैं, मगर वहाँ पे जो अंदर जाने का रास्ता है वो ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है बारिश का मौसम है। और सबसे एक ख़ास बात है कि आप लोग ये जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा, ये जो पोबितोरा का जंगल है ये आपका ब्रह्मपुत्र जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेल रिवर है उसके बगल में ही, मतलब बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र है जो जंगल स्थित है। तो इसीलिए आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकेंगे और वहाँ पे बहुत सारे कैंपिंग भी होगा, ज़रूर होगा वहाँ पे। आप लोग जो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है कि बैम्बू से बना हुआ चीज़ या लोकल जो चीज़ है वो सब आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, आप लोग लेके भी आ सकते हैं। सो दैट इज़ वाई असम इज़ सो फेमस फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। नेचुरल एनवायरमेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे, पोल्यूशन से बहुत दूर है, गुवाहाटी से अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 40 kilometers होगा, 30 to 40 kilometers होगा, मैं अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं गया हूँ मगर पोबितोरा अंदर में मैं नहीं घुसा हूँ, मैं इस बार ज़रूर जाऊँगा और आपको मैं दिखाऊँगा कि पोबितोरा में क्या क्या है। सो गाइज, वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बोलिए, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे बेल का जो आइकॉन है वहाँ पे प्रेस करके आपको ऑल जो ऑप्शंस आएगा, 3 options आएगा, वहाँ पे ऑल सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा इमीडिएटली आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, आज तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय आयो हो, बाय बाय।